जैसे वार्ड को सिर्फ 500 रुपया महीना मिल रहा है, तो मुझे भी लगता है सरकार को भी ये कहीं ना कहीं कम, बहुत ही कम पैसा है, और इसके लिए पे सरकार को भी विचार करना है, और आपके जो जनप्रतिनिधि हैं वो आवाज उठाएंगे, तो निश्चित तौर पर सरकार को भी आवाज को मानना चाहिए। और हम लोग आपके पक्षधर हैं, सरकार में है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार हमारी चल रही है, और आप सबको पता है कि किस तरीके से हमारी सरकार चल रही है और कितना अच्छा हम लोग सरकार चला रहे हैं। और निश्चित तौर पे आज भी पंचायत प्रतिनिधि वार्ड जो भी सदस्य है उनके लिए बेहतर से बेहतर काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूर्व से भी करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, ये आशा विश्वास मैं आपको देता हूँ साथियों। और मैं बिहार सरकार में मैं मंत्री हूँ, और हमेशा आप लोगों के हित के लिए, आप लोगों के बेहतर के लिए हम लोग हमेशा आपस में बात करते रहते हैं। जब भी आप लोगों का कोई भी समस्या होता है तो हम पंचायती राज मंत्री से हम हमेशा बात करते रहते हैं। इसलिए साथियों आप लोग मजबूती से हमारे दिनेश जी के पक्ष में ऑलरेडी 18-20 साल से काम कर रहे हैं, आप सबको हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। आज जो आप इतना यहाँ पे आए हैं वो हमारे बुलावे पे नहीं आए, निश्चित तौर पे दिनेश जी के बुलावे पे आए हैं, और मैं भी उनके बुलावे पे मैं आया हूँ, तो आज उनके बारे में बहुत कुछ हमें बताने की जरूरी नहीं है, मुझसे ज्यादा आप लोगों को पता है। मैं सिर्फ अपने बारे में ये बताने के लिए आया हूँ कि मैं आज जिस जगह पे मुकाम पे पहुंचा हूँ उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे दिनेश जी का है, और उसके सहयोग से मैं यहाँ पे आया हूँ। इसलिए साथियों आप लोग दिनेश जी को हाथ मजबूत कीजिए, और आप जब दिनेश जी जब पटना पहुंचेंगे तो आपके हाथ अधिकार की बात करेंगे, तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से उनका उपकार हमारे ऊपर है तो मैं भी चाहूंगा कि उनकी बात को सरकार मजबूती से सुने और मजबूती से करे, क्योंकि मैं एक मंत्री ही नहीं हूँ, मैं बिहार सरकार में हूँ, एनडीए गठबंधन का हिस्सा हूँ, और आज हमारे चार पार्टी के सहयोग से बिहार में सरकार चल रही है। तो बिहार के गरीब जनता के लिए हमेशा हक अधिकार की जब भी बात होता है तो आप लोगों ने हमेशा देखा कि मैं हमेशा खुल के बात रखता हूँ, और हमेशा गरीब किसान की बात मैं करता हूँ, उनको आगे बढ़ाने की बात करता हूँ, बिहार हमारा कैसे आगे बढ़े, बिहार के युवा कैसे आगे बढ़े, क्योंकि मैं गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया। 18 साल की उम्र में मुझे बिहार छोड़कर मुंबई जैसे शहर जाना पड़ा अपने घर परिवार को छोड़कर। मैं नहीं चाहूंगा कि हमारे आने वाला पीढ़ी अपने बिहार को छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाना पड़े, उस ये बिहार प्रदेश में उनको रोजगार मिले, इसके लिए आज हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और तमाम जो हमें युवा को कहेंगे कि मैं आपकी जिंदगी को छोड़कर मैं बिहार आया हूँ सिर्फ बिहार की जनता गरीब लोगों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए। लोगों के बीच में होगा कि मैं निशान समाज के लिए ज्यादा से ज्यादा बोलता हूँ, उनके लिए काम करता हूँ, तो मैं जातिवाद नहीं करता, निशान समाज को मानता हूँ, ये मेरा परिवार के लोग हैं और इस परिवार का मैं बेटा हूँ, और मेरा फर्ज बनता है कि इनके लिए बेहतर काम करो, इनके हक अधिकार की बात करो। बाकी मैं बिहार के 13 करोड़ जनता के लिए आज मैं विभाग में बैठा हूँ, एक से एक योजना में चला रहा हूँ, बिहार में गरीब किसान है, पशुपालन है, तो हम लोग 3,34,000 की स्कीम पे 3 लाख रुपए का अनुदान दे रहे हैं ताकि घर में पशु पाले और अपने घर परिवार को चलाए। तो सरकार में रहकर हर जाति धर्म के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और मेरा कर्तव्य है कि सबके लिए हम काम करें। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को, मंच पे सभी उपस्थित सभी नेता को, कि आप लोग मजबूती से यहाँ पे जिस तरीके से आए मजबूती से आप नामांकन में रहे, उसी तरीके से आप अपने अपने पंचायत में जाइए और मजबूती से वार्ड से सचिव से सबसे संबंध अच्छा बनाकर एक एक वोट आप दिनेश जी को दिलाइए, यही आशा विश्वास के साथ मैं आप लोगों के बीच में रखता हूँ। और आप लोगों का जो भी मांग होगा वो हमारे दिनेश जी बात को रखेंगे और उस मांग पे सरकार सुनेंगे, और हम लोग चाहेंगे वो काम हो, ये हमेशा सुनिश्चित हम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को।